हाय गाइस, वेलकम टू आरुषि'स वर्ल्ड। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहने में, बिकॉज मैंने अभी मेरे चैनल का नाम डिसाइड किया, दैट इट्स गोइंग टू बी आरुषि'स वर्ल्ड। थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन मी सो मच लव कि मेरे चैनल ने अभी रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बिकॉज वि फ्यू मंथ्स बैक व्हेन आई स्टार्टेड द चैनल, इट वाज लाइक जीरो पे स्टार्ट किया था। एंड मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैंने मेरी मास्टर्स की एप्लीकेशन जर्नी में जो जो भी चीज़ें सीखी, आई कैन कम्युनिकेट दैट टू यू गाइज। एंड एज यू ऑल नो दैट वही आफ्टर ऑल दी ऑफर्स कोलंबिया और वो सब भी छोड़ के मैंने यहाँ पे NC स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करा फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। और अब ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो चुके हैं सिंस आई हैव बीन हेयर। आई एम रियली सॉरी कि मैं उतने वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर पाई हूँ जितने मैं करना चाहती हूँ, बट रीज़न सिर्फ एक ही है दैट यहाँ पे US में आके मास्टर्स की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इट्स अ लाइफ ऑल्टरिंग जर्नी और बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस है। स्टार्टिंग में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, होम सिकनेस बहुत ही खतरनाक होती है, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट जस्ट ये कि मास्टर्स का रूटीन होता क्या है। सो आई विल जस्ट बी शेयरिंग व्हाट द 7 days ऑफ द वीक लुक लाइक फॉर मी। तो आने के बाद द फर्स्ट 15-20 days वो सिर्फ घर सेटअप करने के लिए थे। और यहाँ पे अभी जो मैंने कहा ना कि हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, आई लिटरली मीन इट, क्योंकि यहाँ पे जैसे घर वगैरह जब सेटअप कर रहे थे तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो जैसे अमेज़ॉन पे से आपने बेड ऑर्डर कर दिया तो बेड को असेंबल करने के लिए भी किसी को नहीं बुला सकते आप, आपको खुद ही पूरा लाइक सारे स्क्रूज़ वगैरह और उसके साथ पूरा छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके अपना फर्नीचर खुद करना पड़ता है, सेट अपना बेड खुद सेट करना पड़ता है। वो सब काफ़ी चैलेंजिंग था, फ्रेंड्स की हेल्प लेके किया था सब कुछ यहाँ पे। तो दैट वे आई वुड से कि यहाँ पे आसपास जो इंडियन कम्युनिटी का और इंडियन फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है वो फैमिली के जैसा हो जाता है, दैट यहाँ आके आपको अपनी कम्युनिटी की जो वो है ना इम्पॉर्टेंस वो और ज़्यादा रियलाइज़ होती है। हाउ यहाँ पे मतलब US में आई कैन से वेरी सिंपली दैट आपके पास फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे आसपास लोग हैं, सो दैट्स द बिगेस्ट सपोर्ट यू कैन हैव। और अगर वो नहीं है तो आप बहुत ईजिली बहुत लोनली फील कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग। सो स्टार्टिंग के 15 days ऐसे थे। उसके बाद आई स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब। तो मेरा पार्ट टाइम जॉब स्टारबक्स में है एज अ बरिस्टा, विच इज़ फनी क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पीती, बट अब बनाती बहुत सारे लोगों के लिए हूँ। मतलब अब तो मैंने सारी कॉफ़ीज़ बनाने सीख लिए हैं स्टारबक्स में, लाइक आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेंड बरिस्टा नाउ। सो अप टू 20 hours ऑफ वीक अलाउड होता है काम करना ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, तो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर पाऊँ अपना रेंट निकालने के लिए और लिविंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 17 to 19 hours के बीच में हर हफ्ते कर पाऊँ। यूजुअली स्टूडेंट्स 12 to 15 hours करते हैं, तो मेरे भी जो वीक्स बहुत हेक्टिक हैं उसमें मैं भी नहीं कर पाती 14-15 से ज़्यादा। बट अभी जैसे लास्ट 2-3 weeks में मैंने ट्राई किया है दैट आई पुट इन 17 to 19 hours, तो वो एक्स्ट्रा जितना भी हो जाता है दैट रियली हेल्प्स यू दैट एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि INR से डॉलर्स में बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यहाँ पे इट्स गुड दैट ऑन कैंपस काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। सो वो मेरा मतलब 18 hours रफली उसमें चला जाता है ऑन ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड संडेज। सो मैं ट्यूजडेज को 4 घंटे करती हूँ रफली, थर्सडेज को 5 या 6 घंटे करती हूँ, और देन संडे को 7 या 7.5 hours। तो ऐसे करके 3 दिन मेरे सुबह के स्टारबक्स में चले जाते हैं। आई ऑलवेज टेक मॉर्निंग शिफ्ट्स क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह जल्दी स्टार्ट कर दो तो उसी बहाने दिन अच्छा स्टार्ट हो जाता है और यू गेट डन विद द जॉब अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू क्लासेस, तो यहाँ पे क्लासेस का जो रूटीन है वो इंडिया से बहुत अलग होता है। यहाँ पे हर लेक्चर मतलब हर सब्जेक्ट की हफ्ते में सिर्फ 2 बार क्लास लगती है, 1 hour 15 minutes ईच। तो मतलब आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 2 times a week ही जाना पड़ता है। सो मतलब मंडेज़ और वेडनेसडेज़ को मेरे 2 lectures होते हैं, उसमें रफली पूरा दोपहर चला जाता है। सो ऑल माई क्लासेज इन दिस सेमेस्टर आर इन द सेकेंड हाफ, तो वो ऐसे ही मैनेज होता है दैट यूजली, इसीलिए फर्स्ट हाफ में मैं स्टारबक्स कर लेती हूँ और सेकेंड हाफ में मेरी क्लासेज होती हैं। क्लासेस का लोड उतना नहीं होता यहाँ पे जितना कि एक्चुअली होमवर्क्स और असाइनमेंट्स का होता है। सो थ्रू आउट द सेमेस्टर यू ऑलवेज हैव होमवर्क्स, मतलब और साथ में ये भी है दैट यहाँ पे जो होमवर्क्स हैं उनका एग्रीगेट जुड़ता है आपके फाइनल पॉइंटर में, जो फाइनल GPA बनेगा। तो हर होमवर्क के मार्क्स होते हैं जो आपके फाइनल ग्रेड में ऐड होंगे, उसकी वजह से ये रहता है दैट उतना ज़्यादा ना रिलैक्स करने की फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि हमेशा कुछ कुछ असाइनमेंट्स कुछ कुछ होमवर्क्स रहते ही हैं। नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स 3 subjects लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, बट मतलब भले ही मैं 3 subjects लेती या 4 subjects लेती, उन दोनों की ट्यूशन फ़ीस सेम ही थी, तो उस वजह से मैंने ट्यूशन फ़ीस में थोड़ा सा सेव करने के लिए 4 subjects लिए हैं। सो 4 subjects को हैंडल करना इज़ वेरी हेक्टिक, बिकॉज
चारों सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स और होमवर्क्स और ये सब चीज़ें ड्यू रहती हैं, उसमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। बचा कुचा जो टाइम रहता है फिर वो जाता है कॉलेज के फ्री इवेंट्स अटेंड करने में। और ये चीज़ भी, आई वॉन्ट टू से दिस टू एनीबडी जो अभी मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो मास्टर्स अब्रॉड, दैट ऑल दीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ नो दे होल्ड लॉट्स ऑफ इवेंट्स। मतलब जैसे मेरी ये वाली फ्री टी शर्ट है, मेरे पास ऐसी 7 या 8 और फ्री टी शर्ट्स हैं, बिकॉज आई बिन अटेंडिंग लाइक एनी काइंड ऑफ इवेंट दैट हैपन्स ऑन कैंपस। इट गेट्स वेरी टायरिंग, बट आई फील लाइक कि आपको उससे एक अच्छा कल्चरल एक्सचेंज वाला एक्सपीरियंस होता है। यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी, नेटवर्किंग होती है, यू मीट लॉट्स ऑफ पीपल। तो यही होता है कि स्टारबक्स का जॉब, क्लासेस, होमवर्क, असाइनमेंट्स, फ्री इवेंट्स, नेटवर्किंग इवेंट्स, ऑल ऑफ दिस। सबसे बड़ी चीज़ फिर ऑब्वियसली घर में जाके खुद का खाना बनाना, वो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज आलस आता है, इतना थक जाते हैं सब कुछ करने के बाद। बट देन इंडियन खाना सब मिलता है, मतलब यहाँ पे स्पेशली वेर आई एम नॉर्थ कैरोलिना हैज़ लॉट्स ऑफ इंडियन पीपल, तो ऐसी तो शायद कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती। सो इंडियन खाना मिल जाता है ईजिली, पर यस खाना बनाने में टाइम जाता है। सो खाना बनाने की बात पे मुझे एक और चीज़ ये भी याद आई दैट US में ये है दैट फ्रोज़न फूड का कॉन्सेप्ट बहुत है, और जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी ऑप्शन भी है। लाइक यहाँ पे फ्रोज़न चपातीज मिलती हैं, तो आपको ऐसा आटा मारना आना ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स यूजुअली फ्रोज़न रोटियों से काम चला लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन माई केस मुझे फ्रोज़न खाना बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। तो मेरा ये रहता है दैट हाँ मुझे आटा मारना पड़ता है अलग से, और anyway हेल्दी भी नहीं है। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट कभी ही फ्रोज़न फूड ना खाऊं, तो मैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी यूज़ नहीं करती। तो जब भी मैं खाना बनाऊं उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत लगता है, बिकॉज़ या तो मैं पोहा बनाती हूं, और मुझे पोहा बनाना स्टार्टिंग में आता ही नहीं था। तो इट इज़ सो फनी कि मैंने एक्चुअली मैं सिर्फ वाइट जो पोहा होता है ना उसको हल्का सा गला के उसमें सिर्फ नमक डाल के भी खाया है, क्योंकि शिफ्ट का टाइम हो रहा है और मुझे पता है कि मुझे बाहर का फ्रोज़न खाना सूट नहीं करेगा। घर में भी फ्रोज़न चपातीस थी, पराठे थे फ्रोज़न, बट नहीं मतलब उस चमक को नहीं सूट करते। तो मतलब ऐसे भी दिन रहते हैं यहाँ पर जब आपके पास दो दो मिनट की भी फुर्सत नहीं रहती। और जनरली ही आपको कोई भी मास्टर्स का स्टूडेंट यही बोलेगा दैट दे आर स्लीप डिप्राइव्ड, बिकॉज कभी होमवर्क्स हैं, कभी इवेंट्स हैं, कभी कुछ नहीं है। तो फिर आप खुद ही चाहते हो दैट आप दूसरी कंट्री आए हो, तो कभी कभी कुछ इंडियन फेस्टिवल्स में टाइम निकल जाता है। यहाँ पे हर छोटा बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, और या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का आपको लगता है दैट हाँ आप इतना दूर आए हो, तो यहाँ पे योर फ्रेंड्स आर योर फैमिली, सो यू नीड टू स्पेंड टाइम विद देम ऑल्सो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जहाँ पे आपका अच्छा खासा टाइम जाता है कि आपको घर पे भी वीडियो कॉल्स करने हैं बिकॉज आपको घर वालों की याद आ रही है, और साथ में आपको यहाँ पे भी अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, आपको अपने खुद के रूममेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है बिकॉज दे आर योर न्यू फैमिली हेयर। सो दैट ऑल्सो यू नो कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई थिंक कि यही वाला जो पार्ट है ना, घर में बात करना और यहाँ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, दिस इज़ आई थिंक द पार्ट विच कीप्स एवरीबडी गोइंग, क्योंकि सब एक दूसरे को बहुत मॉरली सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एंड बस हाँ ऐसे ही करके अभी कैसे 2.5-3 महीने ऑलमोस्ट निकल गए, मतलब मैं यहाँ पे जुलाई लास्ट वीक मतलब अगस्त फर्स्ट वीक कह सकते हैं आई थी, 1st of August आई वॉज हेयर इन राली, और अभी ऑलमोस्ट नवंबर आने वाला है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि टाइम कितना जल्दी निकला है। बट येस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव आई एम गेटिंग, एंड आई रियली ट्राई कि मैं आने वाले दिनों में वीडियोस पोस्ट करूँगी ऑन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड टू मी, एंड वट एवर क्वेश्चंस यू हैव प्लीज़ लेट मी नो वट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट मास्टर्स हेयर, या आपको कुछ डाउट्स हो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो फॉर फॉल 2022 और स्प्रिंग, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ स्टे सेफ वेर एवर यू आर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।